नज़रअंदाज कर चुनावी रैलियों में व्यस्त मोदी सरकार। यह खबर यूपी के जनपद चंदौली से, जहां आज सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को उनके निजी आवास पर सैराया कोतवाली पुलिस द्वारा नज़रबंद कर दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं विपक्षी दलों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को। आज किसानों का चक्का जाम प्रदर्शन के मद्देनज़र देखते हुए यूपी में प्रदर्शन को रोकने के लिए विपक्ष के नेताओं सपा नेताओं को उनके आवासों पर नज़रबंद कर दिया गया, जिस पर जनपद चंदौली के पूर्व जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने जमकर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज अन्नदाता किसान किसान विरोधी बिल के विरोध में बैठा है, लेकिन मोदी सरकार को चुनावी सभाओं से फुर्सत कहा। किसानों से बात करने की बात पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक काल की दूरी है, न जाने वो कौन सी एक काल है जो कभी लगती नहीं। देखिए हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष से खास बातचीत। आपको सुबह से ही नज़रबंद किया गया था, क्या कारण है? कारण देखिए, सरकार दहशत में स्वयं के लिए है, क्योंकि उसको भय है कि हमने गलत कर रहा है। किसान जब ये कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम उत्तर प्रदेश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन उनको गलत जो आदमी रहता है उसको डर रहता है बराबर। वो जानते हैं कि हमने गलत किया काला कानून ला करके, इसलिए जनता उबाल में है। जनता उबाल में ज़रूर है, लेकिन तो कानून को भी जानती है, नीति को भी जानती है कि हमको कब क्या करना है। हम बिना आदेश का बिना निर्देश का हम लोग काम करने वाले नहीं, लेकिन तो घोर इसका हम विरोध करते हैं कि जो दिल्ली में किसान बैठे हैं उसका बात सरकार न सुन करके देश का प्रधानमंत्री सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। कहीं बंगाल के चुनाव में जा रहे हैं, कहीं वहाँ सभा कर रहे हैं, उनके चौकट पर बैठा है किसान, लेकिन उनको समय नहीं मिले कि दो हम बात करें। अब उनका कब काल आएगा, कह रहे कि एक काल की दूरी है, कौन सा उनका नंबर है किसानों को बता दे, किसान स्वयं उनसे बात करने के लिए तैयार है।